गधा अपनी काली जुबान से जो कुछ ही बोलता है वो सब सच हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर गधा जंगल के सभी जानवर को परेशान करने लगा, यहाँ तक जंगल के राजा शेर को भी नहीं छोड़ा। शेर को परेशान हो तो वह देख भेड़ियों को गुस्सा आ जाता है और गधे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे भी मुंह की खानी पड़ती है। घटने के बाद जंगल के सभी जानवर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और गधे की गुलामी करने लगते हैं। गधा दिन भर आराम करता और जंगल के सभी जानवर उसे हरी हरी घास लाकर खिलाने लगा। लेकिन एक दिन जंगल से बाहर गया गीदड़ जंगल में वापस आता है तो उसे इन सारी बातों का पता लगता है। उसके बाद गीदड़ अपनी तेज दिमाग के साथ गधे के साथ कुछ ऐसा करता है जिन्हें देखने के बाद आप भी हंसी के मारे पोट हो जाओगे। लेकिन उससे पहले भोलेनाथ जो मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे उनकी माता पिता की आयु 100 साल कर देना। उसके बाद गीदड़ अपनी तेज दिमाग का उपयोग करके एक चिट्ठी लिखता है जिसके अंदर लिखा होता है कि जंगल के सभी जानवर मुझे पीट पीट कर जंगल से बाहर निकाल दे। और ये चिट्ठी गधा पढ़ लेता है जिसके बाद गधे की बहुत ज्यादा ढुलाई